अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ ईमान फातिमा, आप देख रहे हैं सहारा न्यूज। खबर शामिल करते हैं सांगर से। हमारे डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर शाहिद अली अब्बासी की रिपोर्ट के मुताबिक सांगर की हवा की बेटी वस्मा तारजू जोजा इमरान ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि इनके शोहर इमरान खान को सांगर पुलिस ने राणा दिलदार सुनारा शफी कराई और सादिक फौजी के कहने पर बगैर किसी FIR के गैर कानूनी तौर पर 4 दिन से SHO सांगर मकसूद मंगान ने गैर कानूनी तौर पर हमारे मुखालिफ और दुश्मनों के कहने पर पाबंद सलासुल्क बनाया हुआ है। मेरे शोहर शाही बाजार सांगर में फरूट की रेड़ी लगाकर अपने बच्चों का रोजगार करता था, लेकिन इसे सांगर पुलिस ने बगैर किसी जुर्म के हमारी असली दुश्मनों के कहने पर बरोज हफ्ता असर के वक्त से गिरफ्तार करके गायब कर दिया। मेरे शोहर की गिरफ्तारी को अभी तक सांगर पुलिस जाहिर नहीं कर रही और न ही मुझे सांगर थाने में 4 दिन से गैर कानूनी तौर पर कैद मेरे शोहर इमरान खान से मिलने नहीं दिया जा रहा। मैं मीडिया के तौसत से वजीर आजम पाकिस्तान, वजीर आला सिंह, गवर्नर सिंह, IG पुलिस सिंह, चीफ जस्टिस, हाई कोर्ट ऑफ सिंध से अपील करती हूँ, मेरे शोहर इमरान खान को सांगर पुलिस की गैर कानूनी हबस बिचा से रिहाई दिलाई जाए। राणा दिलदार सुनारा शफी कराई और सादिक फौजी से मुझे और मेरे खानदान को तहफ्फुज फराम किया जाए और अगर मेरे शोहर ने कोई जुर्म किया है तो उसे फौरी तौर पर अदालत में पेश किया जाए। मुझे खदशा है कि सांगर पुलिस मेरे शोहर को जाली पुलिस मुकाबला करके जान से मार देगी।